मैं साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। सत्ता में आने पर चुनाव आयोग को भेज देंगे 2 दिन के लिए जेल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, हर तरफ चुनावी रैली शुरू की गूंज है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इस दौरान लगातार नेताओं के बयानबाजी भी सामने आ रही है। आम जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच BBM पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने यवतमाल में कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो चुनाव आयोग को कम से कम 2 दिन के लिए जेल भेजेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग का हवाला देते हुए कहा कि वो कहते हैं पुलवामा पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमें इसके लिए संविधान ने अधिकार दिया है। इस दौरान RLD के अध्यक्ष अजीत सिंह ने भी PM नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। अजीत सिंह ने कहा कि PM मोदी झूठ कहा बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, बस इन्होंने आज तक सच नहीं बोला है। बच्चों से कहते हैं कि सच बोला करे, लेकिन इनके माता पिता ने सच बोलना नहीं सिखाया। PM मोदी खुद को महिलाओं का पक्षधर बताते हैं, 3 तलाक 3 सलाक की बात कहते हैं, अपनी पत्नी को एक बार भी 3 तलाक नहीं बोला और ऐसे ही छोड़ दिया। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।